हेलो दोस्तों, आज की कहानी है हिंदी स्टोरी विद मॉरल, यानी एक शिक्षाप्रद हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है सफेद सांप। कहानी को अंत तक जरूर देखें। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसका उसे ज्ञान न हो। कोई भी चीज और कोई व्यक्ति भी उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी, हर दोपहर को जब घर के सब लोग खाना खा चुके होते थे और खाने की मेज से सारी चीजें उठाकर जब उसे बिल्कुल साफ कर दिया जाता था और केवल राजा ही खाने के कमरे में अकेला बैठा होता, तो उसका विश्वसनीय सेवक चांदी के बर्तन में कुछ ढक कर लाता और चुपचाप राजा के खाने की मेज पर रख कर चला जाता। उस सेवक के जाने के बाद राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता, उसमें कुछ निकाल कर खाता और खाकर फिर उस बर्तन को उसी तरह कसकर बंद कर देता जैसा उसका सेवक उसके पास छोड़ गया था। घर के किसी भी आदमी को यह नहीं मालूम था कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि राजा के विश्वसनीय सेवक को भी नहीं। एक दिन राजा के उस सेवक के मन में ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसके बारे में राजा के घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम और न ही उन्हें ये जानने की आज्ञा है। वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने सोच लिया कि आज वह ये जरूर जानकर रहेगा कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसको राजा सब लोगों के चले जाने के बाद ही मंगवाता है। उस दिन जब वह सेवक अपने राजा के लिए वो बर्तन ले जाने लगा, तो उसने महल के एक सोने कमरे के कोने में ले जाकर उसे खोला। उसने देखा कि एक छोटा सा सफेद सांप उबाल कर उस चांदी के बर्तन में रखा था और साथ ही छुरी कांटा चम्मच भी सफेद रंग के थे। उसने चुपके से सांप का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया, ये जानने के लिए कि यह ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज है जिसे राजा सबसे बाद में खाता है। जैसे ही सेवक ने उस सफेद सांप का एक टुकड़ा अपनी जीभ पर रखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाजें साफ साफ समझ में आने लगी। तब उसने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वे दोनों चिड़िया अपने अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे को सुना रही थी जो उन्हें कल खेतों खलिहानों और बागों में हुए थे। सफेद सांप ने राजा के सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्रदान कर दी थी। फिर वह चुपचाप जाकर राजा के चांदी का कटोरा उसके खाने की मेज पर रखाया। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी की हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई। रानी को राजा के इस विश्वसनीय सेवक पर शक हुआ, क्योंकि सिर्फ उसी सेवक को पूरे महल में आने जाने की अनुमति थी। राजा ने अपने सेवक को बुलाकर रानी की हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा, पर उस सेवक ने कहा कि उसने यह अंगूठी कहीं भी नहीं देखी। राजा ने उसे बहुत धमकाया कि अगर कल सुबह तक उसने अंगूठी के चोर को नहीं ढूंढा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वो सेवक बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, पर राजा ने उसकी एक न सुनी। जेल और मौत के भय ने उसकी जिंदगी दूभर कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में वह क्या करे, किससे मदद मांगे। ऐसा सोचते सोचते वह महल के बाहर बने हुए तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कल सुबह तक उसे इस खोई अंगूठी का पता नहीं चल सकेगा और राजा उसे मौत की सजा सुना देगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सफेद रंग की दो बतखें वहां तैरती हुई आई और आपस में बातें करने लगी। वो सेवक ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगा। एक बतख ने दूसरी बतख को बताया, मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है।
आज जब रानी राजा सुबह सैर करने आए थे, तब रानी ने पानी से हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाले तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और मैंने उसे झट से निगल लिया। अब वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है। सेवक ने जैसे ही उस बतख की बात सुनी, वो फौरन तालाब में उतर गया, उस बतख को पानी से निकाल कर ले आया और दौड़ा दौड़ा रसोई में जाकर रसोइये से बोला, आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बतख को काटो। रसोइये ने कहा, ठीक है, तुम इस